दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का तीन रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उससे उसका गरीबी खत्म हो सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और जिसके पास दोनों नहीं है लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में जाकर देख लीजिए, तो यहाँ ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने तो पढ़ नहीं रहे हैं, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो पैसा से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चे का भी भला होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज कहाँ से लाइएगा? कॉलेज तो आपको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो लालू नीतीश के इस राज में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो किसी को सांसद बना दीजिए, किसी का सरकार बना दीजिए। अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है, उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास पढ़ाई का सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, वोट लिया गया, लेकिन भूमि सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ। नतीजा ये है कि बिहार में 100 आदमी जो रहता है, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। आप भूमिहीन हैं। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो आप और हम खेती करते हैं बिहार में, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। खेत में आपके इतना ही हो रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का उपाय नहीं है। अगर बेटी का ब्याह लग जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, कपड़ा का दुकान खोल लेते, किराना परचून का व्यापार कर लेते, वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि आपके गांव में जितने लोग रहते हैं, ये 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा, पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप जिसको वोट दे दीजिए, जिसका भी सरकार बनाना है बना दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि घरे घरे बिजली ला दे, सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर दे दे, शौचालय बना दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके खेत से आपको कमाई हो। जिसको जमीन नहीं है उसको सरकार जमीन दे। गरीबी खत्म तब होगा जब जितनी महिलाएं हैं, युवा है, सबको रोजी रोजगार करने के लिए सरकार कर्जा दे, पैसा दे, ताकि छोटा मोटा रोजी रोजगार आप कर सके।